नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के दंगे हुए, दंगों पर बहुत सियासत हुई। न सिर्फ सियासत हुई, कई तरह की आपने न्यूज़ रिपोर्ट्स देखी, कई तरह के डिज़ाइनर पत्रकार जिनका कि काम कुछ इस तरह का है, जोकरपन ज़्यादा और असली रिपोर्टिंग कम। अब आप ये सोचिए कि जब इतनी सारी न्यूज़ हो तो आपको सही न्यूज़ कहाँ से मिले। एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्टिंग जैसे बोलते हैं, बिना किसी लाग लपेट के सच्ची न्यूज़, जिसमें कहीं ये डर ना हो कि हमारे एडवर्टाइजर्स हमसे नाराज़ हो जाएंगे, कहीं ये प्रेशर ना हो कि कॉरपोरेट्स हमसे नाराज़ हो जाएंगे तो ऐड नहीं देंगे, हमारा चैनल नहीं चलेगा, ऐसी ही न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और आगे इस न्यूज़ को देखिए। और इस समय मैं मौजूद हूँ जाफराबाद, वो जगह जहाँ धरना प्रदर्शन हुआ था। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे जाफराबाद है, और यहीं से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ था, यहीं से जो रास्ता रोका गया था, यहीं से सारी जो ट्रबल है कहना चाहिए वो स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी। और प्रदर्शन अब ख़त्म हो चुका है, सब कुछ शांत है। मैं अपने सहयोगी सुनील जी से कहूँगा ज़रा दिखाएं। इस समय पूरे पुलिस के जो जवान हैं वो भी हैं, परेशान सभी हो रहे हैं, सभी को परेशानी है। ये बस ही इनका इस समय घर है, जो इस समय आप देख सकते हैं। और फिलहाल यहाँ शांति है, हम यहाँ से आपको आगे लेकर चलेंगे जहाँ मेन जो इफेक्टेड एरिया है वहाँ क्या क्या हुआ वो देखेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल किसी भी प्रकार की कोई घटना हमको अभी तो नज़र नहीं आ रही। आगे देखते हैं, चलिए आपके साथ और आगे चलते हैं। और जैसा कि आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, लिखा हुआ सेव कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान को बचाना है। संविधान को बचाने की ये एक अलग ही मुहिम है, एक अजीब तरीके से संविधान को बचाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है संविधान को बचाना, लेकिन ठीक इससे विपरीत बहुत कुछ हो रहा है जो हम देख रहे हैं। और ठीक इसके अब थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं तो देखिए, स्टैंड विद जामिया आ जाता है, JMI आ जाता है, आज़ादी का नारा आ जाता है, इंकलाब आ जाता है। संविधान तो आज़ादी के बाद ही लिखा गया था, ये सब चीज़ें आती है। और संविधान बचाने के नाम पर क्या क्या हो रहा है ये आपको स्पष्ट रूप से यहाँ समझ में आ रहा होगा। और आप थोड़े से शॉर्ट्स उधर के भी, इनके भी दिखाइए, तो हमको ये बहुत समझने की ज़रूरत है कि आखिर संविधान बचाने के नाम पर जिस प्रकार से आग लगी है और उस आग का इफेक्ट अभी भी हम देख सकते हैं हमारे ठीक सामने, अभी भी आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से पुलिस बल डिप्लॉय नहीं किया गया, पुलिस बल अभी भी पूरी तरह से मुस्तैद है, बाकायदा पूरी ताकत के साथ फोर्स यहाँ हर जगह मौजूद है, हर कोने कोने पे। उस तरफ भी दिखाइए, थोड़ा सा उसको जूम कर दीजिएगा, उनको जूम कर दीजिएगा, और चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है इस वक्त। थोड़ा और आगे चल के देखते हैं हम और आगे क्या क्या है। और इस समय हम मौजूद है थोड़ा आगे बढ़ने के बाद, अब हम पहुंच गए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं मौजपुर बाबरपुर, ये वो इफेक्टेड एरिया है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बताया जाता है, जो घटनाएं हुई हैं वो मौजपुर बाबरपुर वाले एरिया में, यहाँ से हम स्टार्टिंग होते हैं। तो यहाँ से अब जो दंगा प्रभावित मेन क्षेत्र है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए आगे चलकर देखते हैं और क्या क्या है। हम जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े, जैसा हमने आपको दिखाने का प्रयास किया कि जगह जगह जाकर जहाँ से स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट से हमने भी स्टार्ट किया, वहाँ से हमने तफ्तीश अपनी शुरू करी। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, लोगों ने देखा हाथ में कैमरा है, लोगों को लगा कि कोई टीवी चैनल आया है, लोगों को लगा कोई न्यूज़ वाले आए हैं, उन्होंने भी तुरंत हमको रोका। और जब रोका तो हमें भी समझ में नहीं आया कि आखिर किस लिए रोका जा रहा है, लेकिन जब रोका तब उन्होंने अपनी आपबीती सुनानी शुरू करी, ऐसी आपबीती जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, यहाँ से दंगा स्टार्ट होता, शुरुआत जो होती मौजपुर बाबरपुर से। हम यहाँ मैं आगे चलने के लिए शुरू ही हुए थे कि कुछ लोगों ने हमें रोका और हमने देखा जब स्थिति बड़ी गंभीर है। जरा इन माता जी की बात भी सुनिए, क्या हुआ माता? आपके लिए दवाई लेने जा रहे थे माता पिता के लिए, खुद ही बीमार हो गए, इनको खुद को लग गई। नहीं, ईंट मारी, उठा गया, ईंट मारी आपको। दिखाइए अपना चेहरा, दिखाइए इधर कीजिए। क्या नाम है आपका? मांगेराम। मांगेराम जी, क्या कर रहे थे उस समय आप? मैं दवाई दिलवाने जा रहा था उनको। फिर क्या हुआ? फिर अचानक से मुल्लाओं ने क्या करा, ईंटें फेंकनी स्टार्ट कर दी, वो आके सीधा मेरे आग पे लग गई। अच्छा, तो ईंट जब आपको फेंकी गई तो ईंट कहाँ से आई, कुछ आपको पता चला किधर से आई, किसने फेंकी? पता से मारी। कितने लोग थे? बहुत सारे थे मुल्ला, इधर पीछे के ही। यहाँ के थे, बाहर के थे? नहीं, इधर पीछे के, यहीं के थे। यहाँ के पीछे के थे, पहचानते हैं आप उनको? हाँ। और कितने लोगों को चोटें आई हैं आपके अलावा? दो तीन बंदों को आई है, दो तीन, किसी का सर में लग गई, किसी का हाथ में लग गई। तो ये कैसे हुआ, एकदम से हुआ क्या? और जी टी वी जा रहा था दवाई दिलवाने इनको। अच्छा, अब मुझे क्या पता, इधर खड़े होंगे वो,
अब उन्होंने एकदम ईट मार दी, वो आके मेरी आग पे लग गई। भाई साहब आप मुझे बताइए कि क्या हुआ, एकदम से सब कुछ हुआ या क्या क्या हुआ एकदम? अरे कई दिनों से इन लोगों की पलानी है बेकार में, वहाँ से उस कॉलोनी से पत्थर फेंक रहे हैं यहाँ लोगों के ऊपर, कोई मेट्रो में जा रहा उसके ऊपर चोटे सामने से। ये कई दिनों से चल रहा था? कई दिनों से चल रहा है इनका, और क्या यहाँ पर बैठे थे सब लोग, यहाँ पर उन्होंने रास्ता बंद कर दिया एकदम, सारा रास्ता बंद कर दिया था यहाँ पर, यहाँ पर खड़े उधर खड़े थे आगे को, सर उधर पीछे खड़े चांदबाग में खड़े। क्या हुआ भाई साहब? ऐसा इतने पत्थर थे कि भी आदमी हिसाब नहीं लगा सकता कि भी इकट्ठे करे थे या कहीं से पहले से प्रोजेक्टेड था उनका सारा कुछ, मतलब इतने पत्थर रोड पे इकट्ठा होना कि पहले से प्रायोजित प्रोग्राम था उनका। मतलब इतने पत्थर इस एरिया में नहीं आपका ये कहना? कभी इतने पत्थर है ही नहीं थे हमारे यहाँ पे इस एरिया में, इतने पत्थर यहाँ रोड भर गए बिल्कुल। तो पत्थर इम्पोर्ट हुए मतलब ये? हाँ जी हाँ जी, पहले से तरीके से बनाकर उन्होंने सिस्टम और तब काम कराया जी बिल्कुल। कभी सोच नहीं सकते हमारे में कोई पत्थर नहीं, कोई डंडा नहीं। बड़ा बुरा हाल बता रखा था, कंच की इतनी बड़ी बोतल, कंच की नहीं लग रही, अरे डोना का जैसे पेप्सी वाली, कोका कोला, कंका कोला वाली, मतलब पेट्रोल पंप फेंके हैं पेट्रोल पंप। और क्या नाम कहते हैं वो जो स्टूल चला रहे थे वहाँ से गोलियाँ, तो जो पत्थर थोड़े बहुत वो पत्थर आए हैं उन लोगों ने उठा उठा के उन पत्थरों को फेंके हैं, कहीं से पत्थर भी नहीं थे इधर हमारे पास। आपके यहाँ के मुख्यमंत्री आप लोगों से मिलने आए? नहीं कोई नहीं आया, ना विधायक आया ना कोई मुख्यमंत्री आया, कोई नहीं आया आप लोगों से। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो यही चाहते हैं दंगा खत्म हो यार, अपने भाईचारे से रहें सब लोग, लेकिन ये इस तरह से बार 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 इनकी आदत पड़ी हुई है इन लोगों को ऐसा करने की, जब मर्जी जहाँ मर्जी ये रास्ता बंद कर देते हैं, रास्ता ब्लॉक करके और ये उत्पात करने लगते हैं लोग। आपके बच्चे को चोट आई है, क्या मांग करते हैं? अब मैं कहा इलाज को पैसे लाऊं, मैं बस अभी मैं तो कुछ कर ही नहीं हूँ, मैं तो ना तो लड़का कमाता था, लड़का मेरा खत्म होगा, उसके अटैक पड़ेगा, मैं तो कमाने वाला भी ना भी मुझे बन जाएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम आपकी बात सरकार तक पहुँचाएंगे और हम सरकार से कहेंगे कि वो आप सबको मुआवजा दे, बराबर मुआवजा दे। झाड़ू वाला रहना ही नहीं चाहिए था, साफ सी बात तो है, झाड़ू वाला रहना ही नहीं चाहिए था, इनने तो झाड़ू ही फेर दी, इसे तो मिलना भी नहीं हुआ हुए को, इनने क्या क्या कदम मचा दिया, हिंदू मुस्लिम मिला दिया इनने, अगर यहाँ पुलिस ना हो तो यहाँ कोई नहीं बचा था, जब कभी बिहार में हुआ ना ये यादव में बैठे ना, वहाँ बैठते ना ये झगड़ा होता, वे सिर्फ उन्होंने इसीलिए झगड़ा करवाया कि वे वहाँ मोमडन एरिया है, मोमडनों ने सोचा कि नहीं पूरे पूरे के पूरे इलाके को घेर लिया जाए, इधर से भी घेर लिया, एक टुकड़ा रह गया था। आप लोगों को तीनों तरफ मुस्लिम एरिया को तीनों तरफ से घेर लिया, बहुत बुरी तरह से दीवारों पे थे लोग, इधर दीवारों पे थे, गोलियां भी बहुत बुरी तरह से चली यहाँ पे, दो तीन गोलियां चली, अभी चली है, किसने चलाई किसने चलाई? सिर्फ इस साइड से आई है, कबीर नगर से गोलियां चली है खूब अच्छी तरह से, मतलब पुलिस ने चलाई जनता ने चलाई, किसने चलाई है? इधर से जनता ने चलाई है कबीर नगर से, पुलिस वालों को भी मारा और एक पुलिस वाला भाई भी मरा है यहीं पे, और एक गोली भी लगी है। तो इतना कुछ हुआ, आप लोगों के पास कोई तैयारी नहीं थी? हमारा कुछ पता ही नहीं था, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो नियत है वैसे भी, और हिंदू के घर में तो एक चक्कू के सब्जी काटने वाला मिल जाएगा, कोई हथियार मिल ही नहीं सकता, हम तो इतने परेशान हो गए थे, इतने घरों में इतने डरे हुए थे, बहुत बुरी तरह डरे हुए थे, अपने कमारे दिखाए थे, अपने बड़े काम पर लग रहे थे। ये सारा मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके ठीक पीछे बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है, तो किसी ने एटीएम वगैरह नहीं लूटा? नहीं यहाँ फोर्स आ गई थी भाई, मतलब उस समय एटीएम नहीं लूटा, मतलब एटीएम लूटना पैसे लूटना उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य कुछ और था ऐसा जी, बस सिर्फ उन्हें तो ये था कि इन हिंदुओं को मिटाओ किसी तरह से, जो बैठे हैं अब तो समर्थन यहाँ वाले हट गए, अब तो समर्थन विरोध से ज्यादा हो गए, क्या समर्थन में बैठने का हक नहीं है किसी का? नहीं, बिल्कुल है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कपिल मिश्रा ने क्या गलत कहा बताओ, उसने ये कहा भाई आओ यहाँ समर्थन में बैठो, यहाँ 20 यहाँ 10 20 50 आदमी उस दिन बैठे समर्थन में, ये कहा जा रहा है तो फिर क्या हुआ है? इधर से आए देखो ये पूरी बेल्ट ये ममडनों की है, उधर से आए उन्होंने पत्थर और इसी बेल्ट से गोली चली, गोली इसी बेल्ट से चली, और यहाँ पे जो समर्थन में बैठे थे उन्होंने पत्थरबाजी शुरू करी है, शुरुआत उन्होंने करी है। गोली जो चली है ये गोली आप मतलब किस चीज से चलाई गई है? AK-47 थी, बड़ी बंदूक थी, कट्टा था, क्या था? अब ज्यादातर कट्टे थे, घर में पूरा असला मिलेगा, चाकू तलवारें हिंदू के घर में कुछ नहीं मिलेगा। कपिल मिश्रा ने यही तो कहा था, नहीं
कपिल मिश्रा ने यही कहा था कि भाई ऐसा है, 3 दिन का हम टाइम दे रहे हैं, ये जाफराबाद को ये जो बैठे हैं इसको खाली कराओ रोड को, शाहीनबाग में बैठो बैठना है तुम्हें, कोई गलत बात, मेट्रो स्टेशन है मौजपुर वहाँ पर। ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो माहौल बिगड़ा वो बिगड़ा कपिल मिश्रा ने कुछ कहा उस वजह से। कपिल मिश्रा जी ने ये कहा भाई समर्थन में बैठने के लिए, ठीक है जी, जब जाफराबाद भी जाम कर दिया, वो कहते हैं शाहीनबाग पार्ट 2 बनाएंगे इसको, तो क्या दिल्ली इन्हीं की हो गई जो विरोध में खड़े हैं? क्या समर्थन वाले नहीं बैठ सकते? कपिल मिश्रा जी का क्या दोषी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दोषी वो, उन्होंने तो हमें बचाया है, उन्होंने तो हमें बचाया, अगर वे ना आते तो इन प्री प्लानिंग के साथ में हम सबको मार देते, हमारा मौजपुर आधा मरा हुआ होता आज यहाँ पे, हमारा मौजपुर आज यहाँ आधा मरा हुआ होता अगर कपिल मिश्रा यहाँ ना आते, ये तो प्री प्लानिंग के साथ में बैठे हुए थे, ये तो हमें दोनों तरफ से घेर चुके थे, इधर जाफराबाद से, इधर कबीर नगर से, इधर जाफराबाद से, इधर कबीर नगर से हमें घेर चुके थे। क्या क्या कहा उन्होंने? तो फेंक दो केजरीवाल को, फेंक दो वोट मत दो, फेंक दो, हमने तो कमल को भी जब क्या बताई, पूरी प्लानिंग थी इनकी, पूरी प्लानिंग के साथ, हाँ जी पूरी प्लानिंग, आप सबका भी यही मानना है पूरी प्लानिंग थी, ठीक बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो शाहीनबाग में बैठो, यहाँ बैठने, यहाँ रोड जाम करने का क्या मतलब था? शाहीनबाग में बैठो 72 दिन से वहाँ बैठे हुए है, वहाँ से किसी ने उठाया है? नहीं उठाया किसी ने। हमारी तफ्तीश अभी खत्म नहीं हुई बल्कि यहाँ से शुरू हुई है। ये जो अभी आपने देखा ये एक पार्ट है, ऐसे कई सारे पार्ट्स हैं। इन सभी पार्ट्स को देखिए और आप खुद देखिए कि किस तरह से एक तबाही का मंजर दिल्ली में तैयार किया गया था। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ध्यान से दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, कृपया सारे पार्ट्स देखिएगा, और यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियोज़ और बनाएँ तो कृपया हमें सपोर्ट करें, सपोर्ट के लिए तमाम सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं।